प्रदेश के वरिष्ठ नेता लोग और यहाँ पे सभी यूट्यूबर्स व्लॉगर्स इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बनाते हो। दोस्तों यहाँ पर वंदे भारत के खुलते ही जो हमारा वेलकम है वो रेलवे स्टाफ द्वारा देखिए रोज देके यहाँ पे किया जा रहा है। और थैंक यू मैम। और यहाँ पे स्टार्ट तो इस तरीके से कुछ हमारा स्वागत वंदे भारत एक्सप्रेस में हुआ है। थैंक यू भैया। और यहाँ पे हमें जो आधा लीटर वाली पानी वाली बॉटल है वो सर्व की जा रही है गिलास के साथ। और बाकी सफ़र हमारा देखिए देहरादून से शुरू हो चुका है। देहरादून से निकलते ही गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली है। पास यहाँ पे आपको पराठे देखने को मिलते हैं और कटलेट है यहाँ पे। और ये क्या है, ये कॉफ़ी मिक्सर है। यहाँ पे कॉफ़ी मिक्सर दिया गया है, आलमंड्स दिए गए हैं, केक एक दिया गया है और एक ये यहाँ पे ब्राउन ब्रेड हमें यहाँ पे सर्व की गई है। और बाकी हैंड सैनिटाइज़र और ये एक हाथ साफ करने वाला रिफ्रेशिंग वाइप्स यहाँ पे हमें दिया गया है, चम्मच स्पून। और ये एक अमूल का यहाँ पे हमें बटर देखने को मिलता है। तो ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट होने वाला है। अभी हमें गर्म पानी भी सर्व किया जाएगा तो हम लोग कॉफ़ी भी बनाएंगे। बाकी नज़ारे देखिए खूबसूरत, देखिए हरियाली चल रही है और हम लोग अभी रायवाला जंक्शन की तरफ पहुँच रहे हैं। दोस्तों बात करें ब्रेकफास्ट के रिव्यू के, तो पराठे आज बहुत अच्छे थे, टेस्टी थे और दही भी बहुत अच्छा था, फ्रेश दही था बिल्कुल। और कटलेट भी काफ़ी ज़्यादा क्रंची है, स्पाइसी भी है। कॉफ़ी हमें यहाँ पे सर गर्म पानी दिया गया था, कॉफ़ी हम लोगों ने खुद बनाई है। और ब्रेड भी काफ़ी अच्छी थी, सॉफ्ट थी। और बाकी पैकेट आइटम्स तो वैसे ही होंगे। और ओवरऑल ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। ब्रेकफास्ट को देख करके आप लंच से एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ गई कि लंच और भी अच्छा होगा। बाकी हमारा खूबसूरत सा नज़ारों से देखिए ये सफ़र चल रहा है। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच रहे हैं रायवाला जंक्शन और जूम करके आपको दिखाते हैं, ये जो लाइन है ये आ रही है ऋषिकेश से और हम लोग पहुंच रहे हैं इसी के साथ रायवाला जंक्शन। बहुत लगी हुई है, 50 की रफ्तार से हम लोग स्किप कर रहे हैं रायवाला जंक्शन। और इधर खड़ी है अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस। अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस से हमारी क्रॉसिंग हो रही है रायवाला जंक्शन पर। ये खड़ी है कुंभ। अरे ये हम लोग उधर वेट कर रहे हैं, इधर खड़ी कुंभ 17.5 घंटे लेट है। दोस्तों ये तो 17.5 घंटा लेट है, ये इसी के पीछे एक और कुंभ चल रही है वो ऑन टाइम आ रही है, वो बरेली पहुंची है, मोतीचूर स्किप। दोस्तों ये रास्ता सीधा निकल जाता है सामने हर की पौड़ी की तरफ।
ऋषिकेश दून एक्सप्रेस। दोस्तों 51 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग पहुंच चुके समय हरिद्वार। दोस्तों हरिद्वार योग नगरी के लिए भी जाना जाता है, योग इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है और आयुर्वेदिक इंडस्ट्री के लिए भी हरिद्वार काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 10:15 पे हमारा यहाँ पहुंचने का टाइम था, 10:45 पे आधे घंटे की डिले के साथ हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और बाकी दोस्तों 51 किलोमीटर की यात्रा जो हमारा जो सफ़र है वो यहाँ पर पूरा हो चुका है। पीछे हमारी खूबसूरत सी इनॉग्रल स्पेशल खड़ी हुई है यहाँ पे हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर। आप कभी हरिद्वार आए हैं और कब आए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएगा। साथ ही आपको बता दें हरिद्वार से आप हर की पौड़ी गंगा स्नान के लिए अगर आपको जाना है तो नज़दीक ही पड़ता है और सबसे फेमस जगह हरिद्वार हर की पौड़ी, आप सभी उससे बखूबी बाकी हैं। ठीक है भाई, फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर। तो हरिद्वार में हमारे सजल भाई मिले थे, उन्होंने देहरादून से हरिद्वार तक यात्रा की, अभी वापस जा रहे हैं देहरादून। हैप्पी जर्नी आपको। और सिग्नल हमारा भी हो चुका है, टेटर लाइट हमारे यहाँ से चलने लगा है, इसका संकेत है कि डोर देखिए क्लोज हो रहे हैं। अब हम लोग अब चलते हैं अंदर। दोस्तों 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग हरिद्वार से भी निकल चुके हैं और यहाँ पे भी एक भव्य कार्यक्रम इस वंदे भारत एक्सप्रेस का स्वागत यहाँ पे देखिए किया गया ढोल नगाड़ों के साथ। ये देखिए क्योंकि ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब पॉलिटिशियंस यहाँ के लोकल के लोग सब इस वंदे भारत की एक झलक इसके साथ एक तस्वीर लेने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। और इसी के साथ हमारी 8 कोचेस की ये छोटी मिनी वंदे भारत हरिद्वार से डिपार्चर लेती हुई। नैनी दून जन शताब्दी से हमारी क्रॉसिंग हुई अभी और ज्वालापुर स्किप कर रहे हैं। तो स्पीड आप देख सकते हैं 110 पर चल रही है, 108, 109, 110 लगातार हमारी वंदे भारत अब हरिद्वार के बाद भाग रही है। अब हम लोग मुरादाबाद तक इसी स्पीड से भागेंगे। योगा एक्सप्रेस। ये निकली देहरादून शताब्दी। और सो राइट साइड जो आपको ट्रैक मुड़ता हुआ दिख रहा है ये चला जाता है रुड़की की तरफ। जो ट्रेन हरिद्वार की दिशा से आती हैं उनको अगर पंजाब साइड या दिल्ली साइड जाना हो, सहारनपुर की दिशा में जाना हो, तो वो वाला ट्रैक पकड़ के सीधा अपने सहारनपुर वाली मेन लाइन की तरफ बढ़ जाती हैं। ये जो ट्रैक है ये यही है मुरादाबाद सहारनपुर मेन लाइन और हम लोग हरिद्वार वाली लाइन से अब एंटर कर रहे हैं। तो हम लोग स्किप कर रहे हैं स्लोली स्लोली लक्सर जंक्शन को। सामने खड़ी है सुविधार देहरादून एक्सप्रेस और देहरादून सहारनपुर पैसेंजर को भी हम लोग यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग नजीराबाद जंक्शन को स्किप कर रहे हैं।
अरे जंक्शन देख रहे हैं राइट साइड में ये ट्रैक निकल जाता है कोटद्वार की तरफ, ट्रैक निकल गया अपना कोटद्वार की तरफ। दोस्तों दोपहर 12:30 बजे लंच की जो सर्विस है वो इस वंदे भारत इनॉग्रेशन में शुरू कर दी गई है, लंच में सर्व करना यहाँ पे शुरू कर दिया गया। इसमें रोटी और चावल है, इसमें यहाँ पे आलू की सब्जी है, ये पनीर है, पनीर ही लग रहा है मुझे तो, हाँ पनीर है। यहाँ पे आपको स्वीट चिकन मिलेगा और यहाँ पे आपको दाल और साथ में ये दही आपको सर्व की गई। ये होने वाला हमारा आज का लंच। चलिए दोस्तों आपको इस वंदे भारत एक्सप्रेस में जो हमें लंच दिया गया है वो आपको टेस्ट करके बताते हैं। सबसे पहले पराठा देखते हैं और आलू की सब्जी। टेस्टी है, स्पाइसी है सब्जी आलू की। पनीर एक बार जरा टेस्ट करके देखते हैं, पनीर की सब्जी भी काफ़ी अच्छी है और दाल यहाँ पे दी गई है जो काली दाल होती है राजमा मिक्स करके वो है। बेसिकली मुझे सही बताऊँ तो मुझे ये वाली दाल पसंद नहीं है, लेकिन अभी यहाँ मिली है तो खानी पड़ेगी। काली दाल मुझे अच्छी नहीं लगती, अरहर की दाल मुझे सबसे बेस्ट लगती है, फिर भी टेस्ट काफ़ी अच्छा है लंच का। चावल में अगर आप देखें तो चावल में आपको किशमिश डली दिखाई दे रही होगी, देखिए किशमिश भी डली है, हरे मटर भी डले हैं, धनिया भी डली है और गुलाब जामुन भी एक हमें यहाँ पर सर्व किया गया, साथ में दही हमें वही आनंदा का जो ब्रेकफास्ट में दिया गया था वही सर्व किया गया। चलिए और खूबसूरत सा सफ़र हमारा यहाँ पर चल रहा है, सफ़र को एंजॉय करते हैं, लंच को फिनिश करते हैं और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं मुरादाबाद जंक्शन। दोस्तों ये जो सामने से आप लाइन आते दिख रहे हैं ये आ रही है नई दिल्ली से हापुड़ गाजियाबाद वाली लाइन, तो इसका संकेत है अब हम लोग पहुंच रहे हैं मुरादाबाद जंक्शन। सहारनपुर वाली लाइन से हम लोग मुरादाबाद जंक्शन पर एंटर कर रहे हैं और अभी सबका लंच चल ही रहा था। तो भाई जी लंच कैसा है? ठीक है, 10 out of 10। मुरादाबाद की ये चीज़ बढ़िया दे रही है। खाना तो खैर देखिए खाना बाकी अच्छा था, एनआर वालों शर्म कर लो। दोस्तों मुरादाबाद पे हमारा स्वागत कर रहा है भारतीय रेल का शक्तिमान बैग 12। तो दोस्तों 219 किलोमीटर की यात्रा को करके हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन। दोस्तों मुरादाबाद की ये पहली वंदे भारत है जो इस रूट पर आई है और मुरादाबाद बरेली रूट की अगर हम बात करें तो पहली वंदे भारत आई है। 219 किलोमीटर की यात्रा को हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं और यहाँ पर 12:52 पर हम यहाँ पहुँचे, 12:40 यहाँ पे पहुँचने का टाइम था, 10 मिनट का डिले हमें यहाँ तक पहुँचने का हो चुका है। तो दोस्तों मुरादाबाद को बता दें, मुरादाबाद को जंक्शन क्यों कहते हैं, अराइवल पर मैंने आपको दिल्ली वाली लाइन दिखाई, अभी आगे तरफ हम बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड रामपुर वाली लाइन जाती है और राइट साइड चंदौसी वाली लाइन जाती है, लेकिन हम लोग सीधे बरेली की दिशा में बरेली वाली लाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस वजह से मुरादाबाद नॉर्दर्न रेलवेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं मुरादाबाद एक डिविजनल स्टेशन भी है, मुरादाबाद एक डिवीज़न भी रखता है नॉर्दर्न रेलवेज का, इस वजह से मुरादाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। दोस्तों देखिए मुजफ्फरपुर पोरबंदर यहाँ पे मुरादाबाद में एंटर करी और हम लोग मुरादाबाद से निकल रहे हैं। दोस्तों राइट साइड पे चंदौसी वाली लाइन हमसे अलग हो रही है, इस पेड़ों के पीछे से आपको दिख रहा होगा।
दोस्तों जो सामने से आपको लाइन आते दिख रही है ये आ रही है बरेली सिटी, पीलीभीत वाली लाइन भी कह सकते हैं, फिर पीलीभीत से आगे ये अपना मैलानी लखीमपुर सीतापुर होते हुए निकल जाती है और इधर आ रही है काठगोदाम एक्सप्रेस। काठगोदाम एक्सप्रेस से हमारी पैरेलल रनिंग हो रही है, ये देखिए, हालांकि वो बरेली सिटी दिखेगी अभी। काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस भोजीपुरा से आप काठगोदाम की तरफ भी जाते हैं, भोजीपुरा से दो लाइनें जाती है पीलीभीत की तरफ, एक सीधे निकल जाती है काठगोदाम की तरफ लाल कुंड होते हुए। हम लोग पहुंच रहे हैं बरेली जंक्शन और नीचे से भी बरेली सिटी की एक लाइन जाती है, वो अभी आपको आगे देखने को मिलेगी। ये देखिए सामने जो आपको ट्रैक दिख रहा है ये अभी नीचे से निकलेगा। जहाँ देखिए पुल पे भीड़ देखिए आप लोगों की, वीडियो बनाने वालों की, सब क्रेज़ है वंदे भारत का, क्योंकि पहली वंदे भारत है ना इस रूट की। ये नीचे से निकली लाइन ये देखिए भाई साहब भीड़ देखिए। बरेली में आपका स्वागत है दोस्तों। 309 किलोमीटर की यात्रा को करके इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं बरेली जंक्शन। बरेली को बहुत बड़ा जंक्शन माना जाता है क्योंकि यहां से आप बदायूं वाली लाइन पर बढ़ सकते हैं, चंदौसी वाली लाइन पर भी बढ़ सकते हैं और मुरादाबाद वाली लाइन से आ रहे हैं और बरेली सिटी वाली लाइन मैंने आपको दिखाई और पीछे खूबसूरत सी वंदे भारत इनॉग्रल स्पेशल हमारी पहुँची है बरेली जंक्शन। बाकी यहाँ की अगर टाइम की बात करें तो यहाँ पर हमारा पहुँचने का टाइम था 2:15, 2:26 में पहुँचे हैं। जो डिले है 10-15 मिनट का वो लगातार चल ही रहा है और बाकी देखना होगा लखनऊ कब पहुँचते हैं हम लोग। अब बरेली के बाद हमारा सीधा अगला स्टॉप होने वाला है लखनऊ जंक्शन। दोस्तों ये देखिए भीड़ यहाँ पे पटरी ऊपर खड़े हैं लोग, तो ये भाई बरेली की पहली वंदे भारत है और ये तुगलकाबाद का पुष्पक लोकोमोटिव यहाँ पे खड़ा हुआ है, बरेली मुरादाबाद पैसेंजर को लीड कर रहा है और सामने बेगमपुरा नहीं है बरेली वाराणसी, बेगमपुरा तो जम्मू और जम्मू के वाराणसी के बीच चलती है, शाम में छूटेगी। इसी के साथ 5 मिनट के हॉल्ट के बाद हमारा डिपार्चर होता हुआ बरेली जंक्शन से। अब देखना होगा 2:40 से कितना टाइम लगाती है अपनी ट्रेन लखनऊ जंक्शन पहुँच रहे हैं, क्योंकि अगला स्टॉप अब सीधा लखनऊ जंक्शन होने वाला। दोस्तों ये जो सामने आप रूट अलग होते देख रहे हैं ये जा रही है बदायूं, बदायूं भी कह सकते हैं, चंदौसी भी कह सकते हैं।
कवर करके हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं लखनऊ जंक्शन, और लखनऊ जंक्शन पे हमारा स्वागत कर रहे हैं ट्रेन एंड ट्रैवल वाले रतन सर। और सर क्या हाल है सब? आप यात्रा में नहीं आए? यात्रा हम लेकर गए, कोई नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप देखिए और 544 किलोमीटर की यात्रा हमने कवर कर ली है, और लखनऊ जंक्शन के बारे में तो मैंने आपको बहुत बार हर वीडियोस में बताया है दोस्तों। सुबह 9:40 में चले थे और शाम को 5:30 बजे हम लोग पहुँच चुके हैं उत्तराखंड की राजधानी से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जंक्शन पर। बाकी दोस्तों पीछे मेरे ये वंदे भारत देख रहे होंगे, सजी भजी तो खैर अब नहीं रही, सब कुछ गुब्बारे फूल वगैरह उड़ गए। बाकी आपको ये यात्रा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और यहाँ पे हमारा वेलकम सर कर रहे हैं, सर वेलकम कर रहे हैं, वेलकम का बोर्ड, वेलकम एट लखनऊ जंक्शन। तो ये कुछ ऐसा सफ़र हमारा आज का सफ़र होने वाला है। बाकी दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर करिए। चंगा जी, वीर जी सत श्री अकाल, फिर मिल रहे हैं। बहुत वाइया लगा थोड़ा मिल गया जी। सब थोड़े नाल मिल के बहुत वाइया, पंजाब आवेंगे फिर मिलेंगे। हाँ जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ऐसा सफ़र होने वाला है हमारा। थैंक यू सर, आप लोग अच्छा जर्नी लेके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। दोस्तों चलते हैं बाहर, अब मैंने रैपिडो बुक की है, और क्योंकि डालीगंज यहाँ से दूर है आप सभी को मालूम है, और 05088 से हम लोग जाएंगे अब अपने अगले सफ़र लखीमपुर की तरफ, और रात 9:40 तक हम लोग पहुँच भी जाएंगे। बाकी आपको ये यात्रा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इसी तरीके से जर्नीस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।